Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. NH4 पिशावर पर जिमनी इलेक्शन में सियासी कारकुनों का पारा हाई, रहमान कॉलोनी में तहरीक इंसाफ और कारकुनों में हाथापाई, एक दूसरे के खिलाफ नारे। अखुंदाबाद में पीपुल्स पार्टी का कारकुन सरेआम असलहा लेकर घूमता रहा। NH4 पिशावर में जिमनी इलेक्शन की पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए। वोट डालने में खवातीन भी पेश, वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पुरजोश। बहुत ज्यादा खुश हैं इससे और लोग बहुत ज्यादा इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और शौक से और जो जहद से लगे और पोल कर रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सारे लोग बहुत जोश और खरोश से हिस्सा ले रहे इस इलेक्शन में। और कुछ स्टेशन पोलिंग स्टेशन हमने मॉनिटर किए, उसमें तो बहुत स्मूथ सब कुछ जा रहा है। आदाब महफिल आप मुझे क्या सिखाएंगे? मैंने अपने वालिद से आदाब महफिल बहुत सीखा है। कब्र में जाना है, कब्र के लिए 2 गज जमीन चाहिए, आपके पास बहुत जमीन होगी। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन जकरिया के उर्स पर शाह महमूद कुरैशी और भाई मुरीद कुरैशी में तूतू मैं मुरीद कुरैशी ने महमूद कुरैशी को कहा, वक्त आ गया है कि सियासत को गद्दी से अलग किया जाए। मुरीद कुरैशी का शाह महमूद कुरैशी पर बस ना चला तो शाह महमूद कुरैशी के ड्राइवर को पीट डाला। ड्राइवर ने पैर पकड़कर माफी मांगी तो मुरीद कुरैशी ने जान छोड़ी। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, अजीजिया मिल और फ्लैगशिप प्रिंसेस में साबिक वजीर आजम की हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, 3 नवंबर को पेश होने का हुक्म। अगर आप नाइंसाफी पे आवाज उठाएं तो उसको तोहीने अदालत कहा जाता है। सारा कानून जो तुर्की है वो उन्हीं नाजुक वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, इंशाल्लाह सुखरू हूँ। नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, लंदन जाने वाली टीम भी खाली हाथ लौटी। मरियम नवाज की नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कैप्टन सफदर रिटायर्ड कहते हैं इमरान खान जाली कप्तान है, तान वो हैं। यार मैं असल कप्तान हूँ, जेली कप्तान है, मुझे इससे मुआजना तो ना करो यार। सारी मेरी तनकीद का मकसद सिर्फ एक था, मुल्क की इलेक्शन कमीशन क्रेडिबल हो। 70 के अलावा सारे इलेक्शन मतनाजा हुए हैं, लोगों की बदतमीजी देख रही है, मोटू गैंग है, उनकी जुबान सुना करें। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की माफी कबूल कर ली, तौहीने अदालत के दोनों मुकदमात खत्म। मीडिया से गुफ्तगु में इमरान खान ने कहा कि तनकीद का मकसद किसी को निखाना नहीं था, इलेक्शन कमीशन की साख को बेहतर करना चाहता हूँ। मियां साहब सऊदी अरब जा सकते हैं, वतन नहीं आ सकते। कमर जमान कायरा की तनकीद, कहा नवाज शरीफ जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं मगर इदारों में तसादुम के लिए कोशा हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान का सियासी बयानिया इमरान खान किया। अमरीका से CPAC पर सवाल मत उठाए, वाजे कर दिया ऐसा कोई भी इकदाम नाकाबले कबूल होगा। अमरीका भारत में पाकिस्तान से मुजाकरात के लिए दबाव डाले, अफगानिस्तान में तालिबान और आपस में लड़ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली की खारजा अमूर कमेटी में गुफ्तगू। 12 मई 2007 को साबिक चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने का फैसला 9-0 पर हुआ। साल 2018 में कयादत के हुक्म पर वकला के दफातर को आग लगाई, कत्ल का हुक्म हम्माद सिद्दीकी के जरिए मिलता था। MQM ने MPA कामरान फारूक का जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान। हुकूमत मर्दम शुमारी के नताइज और हल्का बंदियों के बारे में इख्तलाफात से बचना चाहती है तो
तो पार्लिमानी सरबराहों का इजलास बुलाकर तफसीली मुशावरत करें। खुर्शीद शाह का वजीर कानून जाहिद हामिद को मुलाकात में मशवरा। फैसलाबाद में खूनी रिश्ते ने खून कर दिया। स्कूल ना जाने पर चचा ने भतीजी का गला दबा दिया। 10 साल की इरम अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। पंजाब के इलाके अलीपुर में मुजरे सेहत लस्सी पीने से भरा घर उजड़ गया। एक ही खानदान के 5 अफराद जा बहक, 11 की हालत गैर। पंजाब में एक और बच्चे की सड़क पर विलादत। गुजरांवाला में खातून ने अस्पताल पहुंचने से कबल ही रक्षे में बच्चे को जन्म दे दिया। भारत के कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ कश्मीरी कल यौमे स्याह मनाएंगे। भारत ने 70 बरस से कश्मीरियों का हक के खुद इरादियत अस्प कर रखा है।